जिलाधिकारी दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के निर्देशन के बाद मंगलवार को कटंगी एवं तिरोड़ी पुलिस ने कच्ची शराब के नष्टीकरण को लेकर एक विशेष वृहद अभियान चलाया। इस अभियान में बालाघाट जिले की भी पुलिस फोर्स का सहयोग लिया गया, लेकिन वृहद स्तर पर चलाए गए इस अभियान में कोई खास और बड़ी कार्रवाई करने में पुलिस को सफलता नहीं मिली। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रोहित बमहोरे, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस दुर्गेश मारका एवं तिरोड़ी थाना पुलिस बल ने जामरापानी के जंगल में दबिश दी। यहां जंगल में 30 मटके कच्ची महुआ शराब नष्ट की। इस बीच तिरोड़ी पुलिस ने रानी मोह गांव में छापामार कार्रवाई कर एक 19 साल के युवक अनिल शेंडे के पास से 54 लीटर कच्ची शराब बरामद की, जिसके खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर धारा 34 की कार्रवाई की। वहीं धरकटंगी पुलिस ने बीसापुर और समतपुरी के जंगल में कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया। बीसापुर में पुलिस ने 20 बोरी तथा समतपुरी में 15 बोरी संदिग्ध अवस्था में मिला महुआ लहान नष्ट किया गया। वहीं पुलिस ने कुछ आदतन अपराधियों को हिरासत में लेने की जानकारी भी सामने आई है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।